हाय गाइस नमस्कार, मैं आनंद सिंह द कार एक्सपर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज मैं लेकर के आया हूं आप सभी के बीच एक नई वीडियो, जिसमें कि मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि मोटर ड्राइविंग स्कूल कैसे आप ओपन कर सकते हैं। जी आप सही सुन पा रहे हैं, ड्राइविंग स्कूल जिसमें कि आप कार चलाना सीख सकते हैं, जहाँ की लोग ड्राइवर बनने के लिए आते हैं, जहाँ की लोग एक परफेक्ट चालक बनने के लिए आते हैं, वो ड्राइविंग स्कूल आप कैसे ओपन कर सकते हैं और लोगों को कार चलाना सिखा सकते हैं, फोर व्हीलर टू व्हीलर या कोई भी व्हीकल को चलाना कैसे सीख सकते हैं। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं कि ड्राइविंग स्कूल ओपन करने की क्या क्या प्रोसेस होती है। सबसे पहले आपके पास क्या होनी चाहिए, सबसे पहले किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है ड्राइविंग स्कूल ओपन करने में, तो चलिए इन्हीं सभी के बारे में आज बात करते हैं। तो गाइस मोटर ड्राइविंग स्कूल ओपन करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक से दो कार होनी चाहिए, जिसमें कि लोग सीखने के लिए आएंगे। और ड्राइविंग स्कूल की कार जो कि आप सभी जानते होंगे, जिसमें कि दोनों साइड कंट्रोल, दोनों साइड नियंत्रण करने के लिए ब्रेक लगी होती है, जो कि आपको अपने नियरेस्ट जो भी आपके वर्कशॉप होगी वहां से आप दोहरी नियंत्रण करा सकते हैं, या फिर दोहरी नियंत्रण के लिए शोरूम को भी आप ऑर्डर से गाड़ी मंगा सकते हैं, जिसमें कि आपको ट्रेनिंग पर्पज के लिए स्पेशल आपको वो गाड़ी बनवाया जाएगा, या फिर आपको बनवाना होगा जिसमें कि ड्राइविंग कोई भी नौसिखिया सीख सकता है। तो गाइज सबसे पहले आपको कार लेनी होगी, कार में दोहरी नियंत्रण करानी होगी, उसके बाद कार को टैक्सी परमिट में करानी होगी जो कि कॉमर्शियल यूज के लिए उपयोग किया जा सके। कॉमर्शियल व्हीकल होने के बाद आपके पास एक 1000 स्क्वायर फीट की एक बिल्डिंग होनी चाहिए, 1000 से 1500 स्क्वायर फीट की, जिसमें कि एक क्लासरूम होनी चाहिए, एक ऑफिस होनी चाहिए, एक छात्रावास होनी चाहिए, लेट्रिन बाथरूम की सुविधा होनी चाहिए, और भी सभी प्रकार की वहां पे छात्रों को रुकने के लिए सुविधा होनी चाहिए, रहने खाने का आपको वहां पे मेस की भी व्यवस्था रखनी होगी, और आपके पास 2 एकड़ की या 1 एकड़ की एक ग्राउंड होनी चाहिए जिसमें कि आप ड्राइविंग सिखा सकते हैं। वहां पे बना हुआ ट्रैक्स होनी चाहिए जिसमें कि वाहन को सिखाया जा सके, चलाया जा सके, रिवर्स पार्किंग टर्न वगैरह नौसिखिया लोगों को सिखाया जा सके। ये तो हो गई आपकी, जो कि ये सब रिक्वायरमेंट सबसे जरूरी चीज है, जो कि इसके बिना आपकी ड्राइविंग स्कूल ओपन नहीं होगी। साथ ही साथ आपका क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपके पास कितनी ट्रेनर होनी चाहिए, ये सब के भी जानकारी आपको मैं देने जा रहा हूं। सबसे पहले आपके पास एक ऑटोमोबाइल्स की डिग्री होनी चाहिए, जो कि ITI या फिर आप इंजीनियरिंग जो भी कुछ आप किए हुए हैं, तो ऑटोमोबाइल्स की डिग्री होनी चाहिए आपके पास 1 से लेकर 3 साल तक की। साथ ही आपके पास हैवी या लाइट लाइसेंस भी होनी चाहिए, लाइट गाड़ी सिखाने के लिए लाइट लाइसेंस होनी चाहिए, हैवी गाड़ी सिखाने के लिए हैवी लाइसेंस होनी चाहिए, और आपके जितने भी ट्रेनर हैं सभी का आपको ऑटोमोबाइल्स की डिग्री होनी चाहिए, उन सभी के पास भी हैवी या लाइट लाइसेंस होनी चाहिए, और साथ ही सभी के पास 1 साल से अधिक की एक्सपीरियंस होनी चाहिए, जो कि वो वाहन को सही तरीके से संचालन करता हो, जो कि सही तरीके से संचालन किया हुआ हो, जिसको कि पूरी तरह से जानकारी हो कि कैसे कब क्या सिखानी है, कैसे चलाया जाता है, कैसे गाड़ी को रोका जाता है, कैसे गाड़ी रन किया जाता है, कैसे स्मूथली चलाया जाता है, ये सारी चीज का जानकारी आप ट्रेनर के पास होनी चाहिए, जो कि कोई भी लर्नर आएंगे, सीखने वाले नौसिखिया आएंगे, जो कि उनको सही तरीके से जानकारी मिल सके। साथ ही आपको ये सब होने के बाद आपका कॉमर्शियल बिजली बिल होनी चाहिए आपकी बिल्डिंग में, आपकी सारे पेपर कलेक्ट करके बिजली बिल,
या रेंट पे आपकी बिल्डिंग है तो रेंट एग्रीमेंट, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपके ट्रेनर का ड्राइविंग लाइसेंस, सभी के आधार कार्ड, सभी के पैन कार्ड, पैन कार्ड जरूरी नहीं है, ऐसे आप दे भी सकते हैं, सभी के मार्कशीट, कम से कम मिनिमम 10th क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए, सभी गाड़ी की कागजात, सभी गाड़ी की इंश्योरेंस पेपर, सभी गाड़ी की फिटनेस की पेपर, ये सभी को एक फाइल में आपको रेडी करनी होगी। और आपकी जो भी डिग्री ऑटोमोबाइल्स की है वो डिग्री सभी को एक फाइल में रेडी करने के बाद आपको अपने नियरेस्ट जो भी डिस्ट्रिक्ट होंगे उस डिस्ट्रिक्ट में एक RTO या DTO ऑफिस होगी, वहां पे आपको सबमिट करना होगा। वहां पे सबमिट करने के बाद वो एक बार वेरिफिकेशन के लिए आएंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, अगर आप सभी चीजों में पास हो जाएंगे तो आपको ड्राइविंग स्कूल का लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। ड्राइविंग सिखाने की जो फीस होती है 3 से लेकर 5,000 तक, अलग अलग एरिया में अलग अलग पेट्रोल के रेट के आधार पे आप अपना फीस सुनिश्चित कर सकते हैं। साथ ही आपका 15 दिन से लेकर के 21 दिन की ट्रेनिंग होती है जिसमें कि ड्राइविंग सिखानी होती है और आप लर्निंग लाइसेंस भी दे सकते हैं। तो ये थी गाइस ड्राइविंग स्कूल खोलने की जानकारी, कैसे आप ओपन कर सकते हैं ड्राइविंग स्कूल, ये सारी सुविधा आपके पास होनी चाहिए, ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए आपके पास, गाड़ी लाइसेंस डॉक्यूमेंट सारा ओके होनी चाहिए, फिर आपका ड्राइविंग स्कूल ओपन हो जाएगा गाइस। तो चलिए, आई होप आप सभी समझ गए होंगे कि मोटर ड्राइविंग स्कूल कैसे ओपन करते हैं। आप ट्राई कर सकते हैं, एक बार नहीं तो दो बार ट्राई करेंगे तो जाहिर सी बात है कि RTO आपको ड्राइविंग लाइसेंस दे देगी। उम्मीद करते हैं कि आपको ड्राइविंग स्कूल ओपन करने में हमारी ये वीडियो सहयोग करेगी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।